नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CSC All Jobs Online में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम SSC प्लेस 11th का आंसर की जारी कर दी गई है। तो जिस बच्चे ने जो है SSC प्लेस 11th के जो है एग्ज़ाम दिया था, उनकी जो है आंसर की जारी कर दी गई है। तो जल्दी से आप जो है आंसर की चेक कर लीजिए। इस वीडियो में बताऊँगा आपको कैसे आपको कहाँ से आपको चेक करनी है, कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है, कैसे आपको डाउनलोड करने को मिलेगी, संपूर्ण जानकारी दूँगा। उससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल पर आना है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं करते हो। और जितना हो सके अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से थोड़ा मोटिव बढ़ता है। और दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना, फिर आपको बताते हैं कैसे आपको जो है डाउनलोड करनी है दोस्तों। या तो आप ssc.nic.in पर जाके, यहाँ पर लिख रहा है अपलोड आंसर की, इस पर प्लेस 11th पे, या तो आप इस पर क्लिक करेंगे, या आपको आना है दोस्तों, आपको इस तरह का जो है ये मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर आना है। ये वाली वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट की, आपको पता ही है। जैसे ही आप इस सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पाएंगे, आंसर की फोल्डर में आना है, आंसर की फोल्डर मिल जाता है। अब नीचे लिख रहा है SSC सिलेक्शन पोस्ट 11th आंसर की 2023, आपको इस पर क्लिक करना है। अगला पेज आपका ओपन हो जाएगा इस तरह का। जैसे ही आप इस पेज पर आ जाएगा, अभी आप देख सकते हैं आंसर की आपकी जारी जो हुई है 13 तारीख में जारी हुई है, ठीक है दोस्तों, 13/7/2023 में जारी हुई है आज की डेट में। अब आपको जो है यहाँ पे डाउनलोड आंसर की लिख रहा है, आपको इस पर क्लिक लिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रोल नंबर आपका एंड पासवर्ड, पासवर्ड आपका क्या रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगी। तो डेट ऑफ बर्थ में कोई ना तो आपको स्पेस देना है, ना कुछ लगाना है, बाकी जैसी है वैसे की वैसी आपको डालना है। ना स्लैश लगाना है, ना माइनस लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। जैसे आप ये सब चीज़ कर लेंगे, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करोगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका जो है डाटा खुल जाएगा। डाटा खुलने के बाद वहाँ से आप जो है अपनी आंसर की जो है देख पाएंगे। दोस्तों मेरे पास जो है किसी बच्चे का डाटा नहीं है, नहीं तो मैं आपको आंसर की दिखा देता और बाकी अंदर लॉगिन करने के बाद। तो दोस्तों कोई इशू नहीं है, जैसे मैंने बताया, बस आप इस तरह से निकाल लेना, आप लॉगिन हो जाएंगे, वहाँ पे आपको जो है आंसर के का फोल्डर मिल जाएगा, आंसर वहाँ से आप चेक कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो है बड़ी आसानी से जो है आप चेक कर पाएंगे अपना आंसर की, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से थोड़ा मोटिव बढ़ता है। अगर कुछ पूछना हो इस वीडियो के बारे में तो आप पूछ सकते हैं, बाकी टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे पड़ा है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।